मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान एक विधान एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। इस एक देश में एक निशान एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? Step of the BJP government to abrogate Article 370, abolish the state of Jammu and Kashmir into an union territory and a union territory for Ladakh. They did it just to fulfill the BJP's election promise. Ek pradhan, ek vidhan, ek nishan, ye sab BJP, Shyama Prasad Babu ke samay स्लोगन होता था, उसी को पूरा किए। ये कोई कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, इट इज इंडियाज पोजिशन दैट कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इट्स ऑल्सो इंडियाज पोजिशन दैट द टेरिटरी ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दैट शुड बी ब्रॉट बैक टू अस। डज द होम मिनिस्टर हैव एनी टाइम फ्रेम as to when he is going to get Pak-occupied Kashmir into India? No. But everything is wrong in the government's handling of Jammu and Kashmir, particularly Mr. Amit Shah's handling of Jammu and Kashmir. He took it in his hand ki mai karunga jo Shyama Prasad Babu chahte the, mai 370 ko abrogate kar dunga. मैं कश्मीर को एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दूंगा। गिव बैक, वी वांट टू सी इलेक्शंस टेक प्लेस देयर, वी वांट टू सी ए नेशनलिस्ट पर्सन लाइक फारूक अब्दुल्ला अगेन ऑक्युपाई दी चीफ मिनिस्टर्स चेयर, ओनली देन विल कश्मीरी रियलाइज देयर कश्मीरियन। कश्मीर इज वेरी स्पेशल। कश्मीरियों से चलाया जाए, दिल्ली से नहीं, और दिल्ली से भेजा गया गवर्नर से नहीं। मैं उम्मीद करता था दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम तो लिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद उनके बलिदान के बारे में भी कुछ बोलते, कि उन्होंने बलिदान करना पड़ा तब जाके कश्मीर में बदलाव आया। आपको जरा सोचना चाहिए कि आप ये बात आज की कर रहे हैं, क्या हालत रही है कश्मीर की श्रीमती, किस तरीके से आप लोगों के शासन में जब आप समर्थन करते थे यूपीए को और कांग्रेस को, क्या हालत बना के रखी थी आपने कश्मीर की? आपने नेशनलिस्ट लीडर की बात की, नेशनलिस्ट लीडर के नीचे क्या हालत थी कश्मीर में? कितने लोग मरते थे, कितने मेजर रोज मरते थे, कितने आतंकवादी वहां पे घुसे हुए थे, उसका तो जिक्र करना चाहिए था दादा। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान एक विधान एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे।
एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया।